नमस्कार दोस्तों, RCB IPL 2008 से ही ये आशा लगाए बैठी है कि हमें IPL की ट्रॉफी कब मिलेगी और फैंस भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब अपने नाम कर लिया, तो आज हम यही देखेंगे कि क्यों मुंबई इतनी सफल टीम है और RCB उतनी सफल टीम नहीं है। लेकिन यदि फैन फॉलोइंग की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। फेसबुक पेज पर MI के 13 मिलियन लाइक्स हैं और RCB के लगभग 10 मिलियन। वहीं इंस्टाग्राम पर दोनों के लगभग 8 मिलियन के करीब फॉलोअर्स होने के करीब हैं और ट्विटर पर MI के करीब 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो RCB के 5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। IPL में कई सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं जो RCB टीम के नाम ही हैं, जैसे 263 रन का स्कोर जो IPL का सर्वोच्च टीम स्कोर है, गेल का 175 रन जो पुणे वॉरियर्स के खिलाफ उसी मैच में आया था, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड बने थे। खैर, बात करते हैं RCB के बारे में। RCB के बारे में बात करते वक्त सबसे बड़ा नाम आता है विराट कोहली और ABD का, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टीम 2016 से बस इन दो खिलाड़ियों पर ही आश्रित है। 2016 IPL में इन दोनों का बल्ला खूब चला। कोहली ने 4 शतक लगाए और उसी साल इन दोनों ने एक मैच में 229 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। कोहली ने 973 रन मारकर पूरे IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तब जाके RCB फाइनल में पहुंची। हालांकि इन दोनों का बल्ला फाइनल में नहीं चला और टीम हार गई। और दूसरी तरफ बात करें यदि MI की, तो उनके लिए हर साल कोई ना कोई दूसरा स्कोरर स्कोर करता है। पिछले साल ईशान किशन ने किया था, उसके पहले सूर्य कुमार यादव ने किया था। और इनके मैच भी कभी हार्दिक जिताते हैं तो कभी पोलार्ड तो कभी रोहित, और कोई बल्लेबाज नहीं चला तो बुमराह और वोल्ट जैसे भी बॉलर हैं जो मैच को अपने दम पर पलट देते हैं। और MI के पास इतने बड़े रिकॉर्ड भी नहीं है जितने RCB के पास हैं, तो आइए एक नज़र डालते हैं इनके रिकॉर्डों पर। पहला, मुंबई 200 IPL मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है। वहीं RCB के विराट कोहली RCB के लिए 200 मैच खेले हैं, जो किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेले गए सबसे ज़्यादा मैच हैं। दूसरा, मुंबई 100 रन के अंतर से केवल 2 मैच जीते हैं। वहीं RCB ने 100 रन के अंतर से मुंबई से अधिक मैच जीते हैं और उन मैचों में विराट कोहली और ABD का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तीसरा, मुंबई 100 IPL मैच जीतने वाली पहली टीम बनी थी और वहीं RCB 100 IPL मैच हारने वाली पहली टीम बनी थी और पूरे विश्व की तीसरी टीम बनी थी। और एक बार KKR के खिलाफ केवल 49 रन के स्कोर पर सिमट गई थी RCB और वहां विराट और ABD का बल्ला नहीं चला था, तो किसी का भी बल्ला नहीं चला। तो RCB टीम की कमजोरी क्या है ये तो कुछ समझ में आ गए, पर IPL जीतने के लिए टीम को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग यानी एक कंप्लीट टीम बनना होगा। लेकिन इस टीम की समस्या यहीं नहीं रुकती है। यदि गेंदबाजी अच्छी है तो बल्लेबाजी केवल विराट और ABD नहीं करेंगे, बाकी के खिलाड़ी भी करने चाहिए। और बल्लेबाजी अच्छी है तो गेंदबाजी किसी एक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, सभी गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। RCB जल्द अपना IPL ट्रॉफी जीते, इसकी हम उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, धन्यवाद।